शादियों का सुनते ही लोगों के मन में उत्साह देखने को मिलता है। इस बार भी नवंबर और दिसंबर के महीने में 13 दिन ही सेनाई बच पाएगी। ज्योतिष अभिजीत और गोरज मुहूर्त बता रहे हैं, इन दोनों मुहूर्त में ही दूल्हा दुल्हन का विवाह होगा। 27 नवंबर से 31 दिसंबर तक 13 मुहूर्त निकल रहे हैं। इन 13 मुहूर्तों में सबसे अधिक गोरज मुहूर्त है। गोरज मुहूर्त यानी शाम के समय विवाह सबसे अधिक होंगे। जब लोकल 18 की टीम ने पंडित शैलेंद्र मुखिया से बात की तो उन्होंने बताया कि नवंबर और दिसंबर के महीने में केवल 13 मुहूर्त ही शादी के लिए निकले हैं। इसमें 27 नवंबर गोरज मुहूर्त शाम का, 28 नवंबर अभिजीत मुहूर्त दिन का, 29 नवंबर अभिजीत मुहूर्त, 6 दिसंबर गोरज मुहूर्त, 7 दिसंबर अभिजीत मुहूर्त, 8 दिसंबर गोरज मुहूर्त, 15 दिसंबर गोरज मुहूर्त, 17 दिसंबर गोरज मुहूर्त, 20 दिसंबर गोरज मुहूर्त, 21 दिसंबर अभिजीत मुहूर्त, 25 दिसंबर गोरज मुहूर्त, 26 दिसंबर गोरज मुहूर्त, 31 दिसंबर को भी गोरज मुहूर्त है। शास्त्रों के अनुसार गोरज मुहूर्त में विवाह करना सबसे अच्छा माना गया है। पंडित शैलेंद्र मुखिया का कहना है कि राहु काल में शादी और फेरे होने से संबंध बिगड़ते हैं। इस समय मुहूर्त देखकर ही शादी और फेरे लगाना चाहिए। यदि आपके यहाँ पर भी शादी है तो आपको यह बात का विशेष ध्यान रखना होगा। शादियों को लेकर बाजार भी सज गए हैं। बाजार में कपड़ा दुकान, ज्वेलर्स, बर्तनों की दुकानों पर लोग खरीदी करने के लिए पहुँच रहे हैं। सभी दुकानों पर लोग खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में और दिसंबर महीने में कितने शुभ विवाह की मुहूर्त है और किन किन समय आप विवाह कर सकते हैं? तुलसी विवाह से शादी का शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाता है। चतुर्थ मास में जो शादी विवाह नहीं होते, तो ये तुलसी विवाह से जो शादी का मुहूर्त आरंभ हो जाता है, जिसमें ये मुहूर्त है 27/11, 28/11 गोरज एवं अभिजीत मुहूर्त, 29/11 अभिजीत मुहूर्त, 6/12 गोरज मुहूर्त, 7/12 अभिजीत मुहूर्त, 8/12 गोरज मुहूर्त, 15/12 गोरज मुहूर्त, 17/12 गोरज मुहूर्त, 20/12 गोरज मुहूर्त, 21/12 अभिजीत मुहूर्त, 25/12 गोरज मुहूर्त, 26/12 गोरज मुहूर्त और 31/12 गोरज मुहूर्त। ये शुभ मुहूर्त है विवाह के लिए। और क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए किस काल में फेरे और शादी नहीं लगना? राहु काल में फेरे और मंगलाष्टक शादी नहीं लगना चाहिए। इसको अशुभ काल कहा गया है, राहु काल को। और क्या शुभ और क्या समय? वृषभ लग्न और तुला लग्न में शादी लगे और फेरे लगे तो ये दाम्पत्य जीवन को बहुत सुखमय बनाता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन विवाह का जो प्रतीक है वो शुक्र ग्रह को माना गया है। इसलिए इस लग्न में अगर विवाह संपन्न होता है तो पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। क्या नाम आपका? पंडित शैलेंद्र मुखिया जी, श्री राधा वल्लभ मंदिर।